हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लारी फूड हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद लजीज पॉम्फ्रेट फिश। पॉम्फ्रेट को ज्यादातर लोग पॉपलेट भी कहते हैं। आपने बहुत सी नई स्टाइल से पॉपलेट बनाई होगी। आज ये रेसिपी बिल्कुल अलग है। यहाँ मैंने ड्राई पॉपलेट बनाया है। ये रेसिपी मेरी छोटी खाला की है जो कि बहुत टेस्टी बनाता पॉपलेट, तो सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यह अचार पॉपलेट लिया और उसको अच्छे से वॉश करके रखा है। यहाँ पे हम अदरक लहसुन हरा मिर्चा धनिया पत्ती का पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। नेक्स्ट यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च लिया है एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम अपनी मछली पे अप्लाई करेंगे। हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने बीच में फिश को कट भी किया था, इसको अच्छे से हम इसमें फिल करके लगा देंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी मछली में मसाला लगाकर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, आप अपनी मछली को जितने अच्छे से वॉश करेंगे मछली का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। यहाँ मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए देखते हैं हमें फ्राई करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। आप बेसन की जगह चावल के भी आटे का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। अब हम इसे बेसन में लपेट के फ्राई करेंगे जो मैंने बनाया था। फिश को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी फिश फ्राई हो गई। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। इंशाल्लाह आपको यह हमारी छोटी खाला की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, लारी फूड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगी एक नया रेसिपी की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हाँ, जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।